हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। दोस्तों, आज हम फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट इस बार का दे रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पेपर भी दोस्तों बहुत मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर सेक्शन को लेंगे। वैसे एग्जाम कोई भी हो, कंप्यूटर से प्रायः ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो मेरा दावा है कि कंप्यूटर से पूछे जाने वाले प्रश्न आपसे बनेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर से यूजीसी नेट के सिलेबस में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो एक प्रश्न आपसे जरूर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पूरे वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं पसंद आए तो आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल भाषा में कंप्यूटर होता क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो तीव्र गति से काम करता है और इसमें गलती प्राय यह नहीं करता, लेकिन दोस्तों इसकी क्षमताएं सीमित होता है। कंप्यूटर शब्द कम्यूट से बना है। एक बार क्वेश्चन भी नेट में पूछा है कंप्यूटर शब्द किससे बना है, तो कम्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संगणक। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं या गणना करना भी कहते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग सूचनाओं का प्रोसेस करने, सूचनाओं को आदान प्रदान करने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा को पहुंचाने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का कार्य आखिर क्या है? डेटा का कलेक्शन है, डेटा का इनपुट करना है, डेटा का आउटपुट करना है, डेटा का संचयन करना है, ये सारे कंप्यूटर का काम है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंप्यूटर सिस्टम। अगर हिंदी में कहा जाए कंप्यूटर सिस्टम, आखिर कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इनको समझिएगा। कंप्यूटर सिस्टम एक उपकरणों का समूह है दोस्तों, जो एक साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग चक्र में वह इनपुट आउटपुट से जुड़ा हुआ होता है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम दोस्तों बना किससे होता है, इनको जीवन में नहीं भूलिएगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया तो आप एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो जाएगा, ये मेरी दावा। कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों पहला होता है इनपुट। आखिर इनपुट क्या होता है? एग्जाम में प्रायः पूछ लेता है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है और कौन इनपुट आउटपुट दोनों है। सिंपल समझिएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, मतलब कि जब यूजर डाटा को सीपीयू में इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, समझिए। जिस माध्यम के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं, मतलब अंदर करते हैं, जिस माध्यम के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं दोस्तों, उसे ही इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे एटीएम, एटीएम माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड और भी मैं बताऊंगा, पहला होता है इनपुट डिवाइस। ऐसे डिवाइस दोस्तों जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम डाटा को क्या करते हैं, इन करते हैं, तो ऐसे डिवाइस को ही दोस्तों इनपुट डिवाइस कहा जाता है सिंपल भाषा में। समझ गए मुझे लगता है। दूसरा होता है दोस्तों, समझिएगा, सीपीयू। सीपीयू इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखिएगा, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। दोस्तों याद रखना, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह सिलिकॉन का एक चिप होता है। कंप्यूटर के सारे सिस्टम, सारे भाग को सीपीयू ही नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा। और सीपीयू को सिंपल याद रखिएगा, यह कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है, ब्रेन है। यह एक सिलिकॉन का चिप होता है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि आखिर सीपीयू के कितने पार्ट है। दोस्तों याद रखिएगा, सीपीयू का पहला पार्ट है ALU। याद रखिएगा, ALU आपके एग्जाम में पूछता है, ALU का मतलब क्या होता है? मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी हाँ दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका उपयोग अंक गणितीय और तार्किक गणना के लिए होता है। जी हाँ, अंक गणितीय यानी मैथमेटिकल या कोई गणना करने में। साथ ही जैसे प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइडेड ब्रैकेट, इन सब में हम ALU का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। जी हाँ, इसी तरह से दूसरा होता है CPU में, वह होता है कंट्रोल यूनिट। याद रखिएगा, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होता है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइस में तालमेल स्थापित करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या करता है? तालमेल स्थापित करता है। तीसरा सीपीयू के भाग होता है दोस्तों, वह होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है? यह डाटा तथा निर्देश को संग्रहित करता है। आगे पढ़ेंगे टॉपिक में, अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो पूरे कंप्यूटर आपके टिप्स पे होंगे। ये दोस्तों मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के भी आप पढ़ेंगे दो भाग। पहला है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से मेमोरी को यूज करते हैं उसे ही सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे जैसा कि आप देखते होंगे, सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, फ्लैश मेमोरी, DVD, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। इस टॉपिक को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम, पहला इनपुट, दूसरा CPU, यह तीन पार्ट में बना हुआ है, और तीसरा होता है दोस्तों आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है आउटपुट यूनिट, मतलब कि जिसके द्वारा, अगर सिंपल भाषा में इसको मैं परिभाषित करूं कि जिसके द्वारा डाटा को आउट किया जाता है उसे हम आउटपुट मेमोरी कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, जिसके द्वारा डाटा को आउट किया जाता है उसे ही हम आउटपुट मेमोरी कहते हैं, उसे ही हम आउटपुट मेमोरी कहते हैं। अब सिंपल हम लोग समझेंगे कि आउटपुट में क्या क्या आता है। जैसे अगर इसे देख लिए है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। आउटपुट मेमोरी में दोस्तों आता है पहला मॉनिटर, मॉनिटर, दूसरा आता है स्पीकर, स्पीकर,
तीसरा आता है प्रिंटर, और चौथा आता है प्रिंटर के बाद प्लॉटर, और पांचवा होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर देखिए, आपके एग्जाम जब आप 10 ईयर बनाएंगे तो पूछता है निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस याद रखना मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। दोस्तों इसको कोडिंग के माध्यम से भी हम लोग याद कर सकते हैं, जो आज के बाद जीवन में आप नहीं भूलेंगे कि आउटपुट, आउटपुट मतलब बाहर करना। तो बाहर का काम क्लास का मॉनिटर करता है। सिंपल कोडिंग कीजिएगा, आउटपुट मतलब बाहर, अर्थात बाहर का काम क्लास का मॉनिटर करता है, सबके लिए स्पीक करता है मतलब स्पीकर, सबके लिए प्रिंट करता है तो प्रिंटर, सबके लिए प्रोजेक्ट बनाता है मतलब प्रोजेक्टर, और सबसे थोड़ा फ्लर्ट भी करता है तो हो गया प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर का उपयोग प्रायः, ये तो पता होगा मॉनिटर का यूज होता है, स्पीकर प्रिंटर भी जानते होंगे, लेकिन प्लॉटर का उपयोग होता है ग्राफीय। अगर किसी ग्राफीय चीज का प्रिंट निकालना हो तो हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं, और प्रोजेक्टर तो पता ही है। तो सिंपल कोडिंग के द्वारा यही याद रखिएगा कि क्लास का मॉनिटर है जो आउट रहता है, क्लास में वो रहता नहीं है तो आउटपुट हो गया, वो सबसे ज्यादा बोलता है तो स्पीकर हो गया, सबके लिए प्रिंट करता है तो प्रिंटर हो गया, सबसे फ्लड करता है तो प्लॉटर हो गया, और सबके लिए प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोजेक्टर हो गया। सिंपल भाषा, अगर पूरा समझ लिए तो एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों तीन चीजों को अभी हमने समझा, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। प्रायः आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन तो यहां से हर साल पूछा जाता है। अभी हमने समझा आउटपुट। दोस्तों दो चीज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से इनपुट कौन कौन है, और पूछ लेता है आउटपुट कौन कौन है, और कभी कभी पूछ लेता है इनपुट आउटपुट दोनों कौन है। तो इनपुट आउटपुट, जैसे अभी आपने आउटपुट समझ लिया तो सबसे पहले हम समझेंगे इनपुट और आउटपुट बोथ, मतलब कि कौन ऐसी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों है। इनपुट आउटपुट कौन ऐसी डिवाइस है दोस्तों जो इनपुट आउटपुट दोनों है, तो उनको सिंपल आज के बाद जीवन में आप नहीं भूलेंगे, वो है मॉडम। मॉडम है MODEM, मॉडम है। दूसरा है टच स्क्रीन, तीसरा है हेडसेट, चौथा है टाइपराइटर, और पांचवा है फैक्स। मॉडम, टच स्क्रीन, हेडसेट, टाइपराइटर और फैक्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इनको सिंपल कोडिंग के द्वारा आप याद रख सकते हैं और जीवन में आप नहीं भूलेंगे। वह है मॉडम, मतलब कोडिंग कर दीजिए मैडम। मैडम को टच करोगे तो हेड मतलब शर हेड फोड़ देगी, और टाइप करके त्योहार में फैक्स कर देगी। फिर से देखिए दोस्तों कोडम, आज के बाद जीवन में इनपुट आउटपुट आप नहीं भूलेंगे। मैडम को टच करोगे तो मैडम मतलब मॉडम, टच मतलब टच स्किल, टच करोगे तो हेड फोड़ देगी मतलब हेड सेट, और टाइप करके मतलब टाइपराइटर, और फैक्स कर देगी मतलब फैक्स। ये इनपुट आउटपुट दोनों है। जी हाँ दोस्तों, इससे इनपुट का भी यूज करते हैं और आउटपुट का। अभी दो चीज हमने आपको याद करवाया, पहला आउटपुट। तो आउटपुट में हमने कोडिंग बताया कि मॉनिटर है, वो सबसे ज्यादा बोलता है तो स्पीकर है, सबके लिए प्रिंट करता है तो प्रिंटर है, सबके लिए प्रोजेक्ट बनाता है तो प्रोजेक्टर है, और सबके साथ फ्लड करते हैं तो प्लाटर है। तो ये पांच हो गया। और दूसरा याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट दोनों। क्या याद रखना है? इनपुट आउटपुट दोनों। अगर इन दोनों को आपने याद कर लिया दोस्तों, तो सिंपल कोडिंग के द्वारा याद रखेगा जो शेष बच गया वो सारे इनपुट डिवाइस है।
जो उस इनपुट आउटपुट में आपने देखा, आउटपुट समझ लिया, इनपुट आउटपुट दोनों समझ लिया, अब जो शेष बच गया वो क्या है, वह है इनपुट डिवाइस। तो अगर आप आउटपुट और इनपुट आउटपुट दोनों याद रखते हैं तो शेष आप दोस्तों आसानी से याद रख लेते हैं। शेष डिवाइस की चर्चा हम लोग अभी करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। शेष डिवाइस में जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों, पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड है, दूसरा है माउस, पता ही होगा माउस जो कंप्यूटर में यूज करते हैं। तीसरा होता है ट्रैक बॉल। दोस्तों ट्रैक बॉल क्या होता है समझ लेना, यह प्रायः मेडिकल में यूज होता है, ऐसा बना होता है, बीच में बिंब होता है और पकड़ के हम पल्स रेट को टेस्ट करते हैं। इसी तरह है जॉयस्टिक। दोस्तों एक स्टिक की तरह होता है जिसका उपयोग हम वीडियो गेम में करते हैं, ऐसे करके मारने के लिए, जो आपने वीडियो गेम देखा होगा दोस्तों, उसी वीडियो गेम में दोस्तों जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी तरह होता है स्कैनर, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज फोटो को स्कैन करने में यूज करते हैं। इसी तरह माइक्रोफोन है, वेबकैम है, और बार कोड रीडर है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइजेशन, MICR है, मैग्नेटिक इंक। ओसीआर का दोस्तों यूज किया जाता है, जैसे अभी आपने पढ़ा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जब कोई भी वस्तु हाथ से लिखा होता है या टाइप या हाथ से लिखे हुए डाटा को पढ़ने में हम ओसीआर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह MICR है, जिसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जब कोई भी वस्तु चुंबकीय स्याही से लिखा हुआ रहता है तो ऐसे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग MICR का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इनपुट डिवाइस में है OMR शीट। जब कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो फॉर्म दिया जाता है जिसपे हम आंसर को भरते हैं, वही OMR शीट कहा जाता है, फुल फॉर्म याद रखना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरह दोस्तों है किम बॉल टैग रीडर। दोस्तों यह एक छोटा सा कार्ड होता है जिसमें पंच छेद होता है। जब आप दुकान में जाते होंगे तो किसी कपड़े में वह कार्ड लटका हुआ रहता है, उसे ही किम बॉल टैग रीडर कहते हैं। इसी तरह से है लाइट पेन। पहले मोबाइल में एक पेन आता था, एक स्टिक आता था और उसके द्वारा हम कुछ लिखते थे, आज भी आता है, उसे ही लाइट पेन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से दोस्तों एक बार अगर हम देखिए इनपुट में बहुत सारा है इसीलिए याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने बताया कि आउटपुट याद रखिए, इनपुट आउटपुट दोनों याद रखिए, और जो शेष बच गया वो हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो अभी हमने दोस्तों सिंपल पढ़ा आखिर कंप्यूटर सिस्टम क्या है। हमने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम तीन से मिलकर बना होता है, एक होता है इनपुट जिसके द्वारा डाटा हम कंप्यूटर में इन करते हैं, दूसरा होता है CPU। CPU के पार्ट्स को हमने बताया ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तीसरे में हमने आउटपुट डिवाइस को देखा कि कौन कौन आउटपुट डिवाइस होता है, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्लॉटर हो या प्रोजेक्टर हो। उसके बाद हमने बताया इनपुट आउटपुट दोनों कौन होता है, मतलब कि जिसके द्वारा डाटा इन भी होता है और आउट भी होता है, जैसे कि आपको हो गया मैडम मतलब मोडम, टच स्क्रीन, हेडसेट, टाइपराइटर और फैक्स। तो इन तीनों चीजों को हमने समझा। जी हाँ दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो फिर मैं आगे का भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, या फिर अगर फर्स्ट पेपर के लिए आप चाहते हैं कि जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए तो आप ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर से हम नए वीडियो और नए क्लास के साथ मिलेंगे। आपके मैसेज का इंतजार।